हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक कोष से माताजी नगर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु राशि स्वीकृत होने से मोहल्ले वासियों में खुशी की लहर। सोजत रोड कस्बे के माताजी नगर में पेयजल समस्या को देखते हुए मोहल्ले वासियों द्वारा पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास को अवगत करवाने पर व्यास ने सोजत विधायक शोभा चौहान को पेयजल समस्या के बारे में अवगत करवाने पर विधायक शोभा चौहान ने पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत राशि स्वीकृत कर पानी की टंकी व पेयजल पाइपलाइन लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, वार्ड पंच राजेंद्र सिंह, मोहल्ले वासी मान सिंह, नेमनाथ, नेमा राम, नारायण लाल, काना राम, गणपत, बाबू खा तेली, गंगा देवी, राजू देवी, पपली देवी, खानतून बनो, प्रेम देवी, मेना देवी, दौलत सिंह, सुरजा देवी सहित मोहल्ले वासियों ने सोजत विधायक शोभा चौहान का आभार व्यक्त किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, इन्होंने ये कहा। हाँ सर, ये समस्या थी इसके बारे में पानी की जो व्यवस्था या नहीं। पानी की समस्या माताजी नगर में 20 सालों से पब्लिक परेशान, क्योंकि न तो यहाँ पाइपलाइन है, न ट्यूबवेल है, ना भी लाइटें हैं। इसलिए यहाँ आज एमएलए साहब की तरफ से यहाँ ट्यूबवेल और टंकी आई है, तो एक टंकी लगाने के लिए यहाँ प्रस्ताव लेके आए। सब गली वाले इकट्ठे हुए और हम भी आए यहाँ टंकी लगाने का, और पाइपलाइन के लिए 8 लाख रुपया एमएलए साहब ने पास किया है, उसकी पानी की पाइपलाइन भी यहाँ आएगी। ये समस्या का समाधान यहाँ किया जा रहा है माताजी नगर में। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।